तो लक्ष्मण जी महाराज निषाद जी को समझाते हैं, काहू न को दुख दुख कर दाता निज कृत कर भोग सब भ्रा। कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता और कोई किसी को दुखी करना नहीं चाहता। जीव सुखी दुखी क्यों होता है? अपने कर्म के कारण। कई घटनाएं जीवन में ऐसी आती हैं कि हमको आपको कल्पना भी नहीं होती है, हो जाती है। उसका दोष किसी को नहीं लगाना चाहिए। प्राप्ति इनकी करुणा कृपा है और जीवन में कुछ घटना उत्पाति क्रम बना तो हमारे कर्म का फल है, इसको काटना हो। सबके साथ ऐसा चलता है, कोई इससे ऊपर इतनी प्राप्त कर सकता है, कोई बच नहीं सकता। कर्म फल सबके साथ लगे हैं, लेना होगा। समझा दिया, समझाया, निषाद जी को समझ में आया। समझाया क्या? आप जो दुख सुख कह रहे हैं, कई कई नंदिन मंद मत कठिन कुटिल पन कीन जही रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन। ये जो दोनों देव विश्राम में है ना, ये सुख दुख से परे हैं। सुख दुख तो ये पंच भौतिक शरीर को होता है, भगवान इससे परे हैं। देखिए अयोध्या कांड का दूसरा श्लोक, प्रसन्नता मया नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलम्। वो प्रसन्नता में भाव भंगिमा नहीं बदली। अरे दुख उपस्थित हुआ, कोई रचना नहीं बदली। ऐसे मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर सहजावस्था में, सहजावस्था में ही सर्वकाल रहते हैं। किसी मनुष्य के जीवन में आप जब ऐश्वर्य, आनंद, प्रतिष्ठा, धर्मशीलता, ब्रह्मचर्य ये सारे गुण दर्शन करेंगे तो उसमें आपकी सहज ही श्रद्धा हो जाती है। छोटा बच्चा कोई हो, बच्ची हो, आप कब उसको खिलाते हैं? जब वो आनंदित होता है। रोते बच्चों को कोई नहीं उठाता है, क्यों? न जाने कितनी देर रोएगा। लेकिन जो बच्चा मौज में रहता है, आनंद में रहता है, उसको लोग गोद खिलाने लगते हैं। हा हा हा, वाह बहुत अच्छे, क्या बात है। उसी प्रकार हम हमारे जीवन में, हमारे निज जीवन में इस प्रसंग का आश्रय रखते हुए जितने आनंदित रहेंगे, जितना प्रसन्न रहेंगे, सरकार हमारे साथ उतना आनंदित रहेंगे। भगवान में निषाद जी की सहज प्रीति दृढ़ हो, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज पहली बार, प्रथम बार भगवान के ऐश्वर्य से परिचित कराते हैं निषाद जी को। पहली बार मित्र, जो आपको हमने 10-12 बातें गिनाई, इसमें और कोई कारण नहीं है। जीव का केवल राग कारण है, इनके कारण दुखी हो गया। अरे इनको देखता हूं तो आग लग जाती है। वो वहां खड़े हैं, तुम यहां खड़े हो, तुम क्यों दिया सलाई लिए टहल रहे हो?
कई लोग तो किसी किसी से इतना आवेशित हो जाते हैं कि उसको देखें कूदे कूदने लगते हैं, इतना भी नहीं किसी को देख के जलने लगना चाहिए कि अपने बदन में आग लग जाए, लाभ क्या नहीं। हाँ कई लोग और दिखाई पड़ता है मेरा शरीर जलने लगता है, जलने लगता है तो हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाएगी आप, जलिए नहीं। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में बैठे हैं, इन्हीं की तरह आप भी मुस्कुराते रहा करिए। हाँ जो जैसा है वो वैसा है, इसलिए लखनलाल जी कहते हैं जो भी है वो विराग कारण नहीं है, ज्ञान कारण नहीं है, इन सब व्यवहारों में मोह मूल परमार्थ नहीं, इसमें मोह माने अज्ञानता कारण है। उनने मेरा बुरा कर दिया, उनने मेरे साथ ठीक नहीं किया, उनने भी अच्छा नहीं किया, उनने किया नहीं किया, आपने स्वयं अपना सब कर लिया, वो करके गए जाने दीजिए, आप आनंद में रहिए, रसिक्त रहिए, अभ्यास हो इसका। अब मेरे सरकार के ऐश्वर्य का गुणगान करते हैं लक्ष्मण जी महाराज निषाद जी के प्रति। मित्र राम जी जीव नहीं है, राम जी साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म माने सबके स्वामी है। तो निषाद जी ने पूछा फिर यहां कैसे हैं? यही तो लीला है। ब्रह्म है माने सर्वव्यापी है, यहां भी है वहां भी है, वहां भी है वहां भी है, और जहां नहीं देख रहे वहां भी है, जो सर्वव्यापी है वही ब्रह्म है। सुख दुख उसको होता है जो सत रज तम से निर्मित होता है, भगवान का स्वरूप चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। महर्षि वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? चिदानंदमय देह तुम्हारी, वो चौपाई इससे मिलाया, वो चौपाई आधी है यहां की चौपाई उसमें मिली। देखिए भगवान का स्वरूप सत चित आनंद घन स्वरूप है, जो सत्य है चिदस्वरूप है आनंदमय है वह निर्विकारी है, विकार है नहीं, वहां न कामना है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न राग है न द्वेष है न मत्सर है। महर्षि वाल्मीकि जी जो कहते हैं वही श्री लक्ष्मण जी महाराज निषाद जी को समझाते हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? चिदानंद स्वरूप है। राम जी ब्रह्म है, सर्वव्यापी है, जगन्नियंता है, जगत के स्वामी है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलग अनादि अनुपा। अभिगत आप जान नहीं सकते हो राम जी क्या हैं, आप देख नहीं सकते हो, क्योंकि जो हैं वो दिखते नहीं है, और जो जिसको दिख जाते हैं वो देखने योग्य नहीं रहता, उन्हीं में समाहित हो जाता है। आप इस बात को ध्यान से रखना, भगवान की लीलाओं का दर्शन करना, भगवान के दर्शन की कामना तभी करना जब ये शरीर छोड़ने का मन करे, क्योंकि जिन जिन को भगवान ने दर्शन दिया वो रह नहीं पाए, फिर आप जो कपड़ा खरीदे हो कौन पहरेगा, गहना बना के रखे हो कौन पहनेगा, नई नई घड़ी रखे हो कौन पहनेगा। भगवान देखो ये केवल बकबक नहीं है, यथार्थ है। भगवान जिसको जिसको मिले वो यहां क्यों रहेगा?